बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज से समापन। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी से निकली यात्रा का जयपुर में समापन होगा। परिवर्तन यात्रा जयपुर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा आज शाम 4 बजे सांगानेर विधानसभा के भाकरौटा में, छोटवाड़ा विधानसभा के 200 फीट बाईपास पर शाम 4:15 बजे, सिविल विधानसभा के पुरानी चुंगी पर 4:30 बजे, विद्याधर नगर विधानसभा के पेट्रोल पंप वाले बालाजी पर 5:30 बजे, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के संजय सर्कल पर 6 बजे, हवा महल विधानसभा के त्रिपोलिया पर शाम 6:45 पर, वहीं आदर्श नगर विधानसभा पर 7:30 बजे, गुरुद्वारा बोर्ड ट्रांसपोर्ट नगर पर, मालवीय नगर विधानसभा का रात 8 बजे श्री राम मंदिर भाटिया भवन पर समापन होगा। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा, बैंड वादन, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से स्वागत होगा। और परिवर्तन यात्रा देखिए, जो कि 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जिसकी शुरुआत हुई थी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जनसभा को भी जेपी नड्डा ने संबोधित किया था और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार कांग्रेस पार्टी पर किए गए थे। उसके बाद 3 सितंबर से फिर से यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, क्योंकि देखिए 4 दिशाओं में ये यात्राएं निकली थी। तो ऐसे में फिर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और फिर उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। और इसी कड़ी में लगातार केंद्रीय नेताएं भी पहुंचते आए हैं परिवर्तन यात्रा से जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाई थी, सांसद जो है मनोज तिवारी वो भी पहुंचे थे, अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, 2 सितंबर को आगाज और आज 19 सितंबर को समापन, और सभी में एक सामान्य सी बात ऐश्वर्य, इससे हालांकि मैं जोड़कर देख रही हूँ कि आप ठीक कीजिएगा, त्रिनेत्र गणेश जी की धरा से शुरुआत की गई थी और समापन के लिए भी आज गणेश चतुर्थी के पर्व को चुना गया। पहले तो आप इसको लेके जानकारी दीजिएगा कि ऐसा करने के पीछे क्या मकसद, और फिर समापन को लेकर जानकारी। देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी से शुरुआत की गई थी, लेकिन समापन जो है वो गणेश चतुर्थी के दिन होता है, क्योंकि भारत जो है वो त्योहारों का देश है। स्वाभाविक तौर पर कोई ना कोई त्योहार किसी न किसी दिन पड़ता है। गणेश चतुर्थी है, इससे पूर्व कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसके बाद दूसरा कोई त्योहार आएगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या योजना, ये तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि यदि ये इस तरीके की योजना होती तो फिर चारों ही यात्राओं को गणेश चतुर्थी के दिन समापन किया जाता, लेकिन जो यात्राएं हैं उनके समापन की आज से शुरुआत हो जाएगी। बड़े नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमंता विश्व शर्मा है असम के सीएम, उनकी भी 3 सभाएं होनी है, कोटा में होनी है, जोधपुर में होनी है, उदयपुर में होनी है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना जारी है। वहीं आज जब जयपुर में यात्रा प्रवेश करेगी तो जयपुर में भी एक पूरा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, आम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और परिवर्तन यात्रा समापन के बाद आप तय मानकर चलिए कि समापन के बाद टिकटों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि एक संभावना ऐसी भी है कि इसी दौरान एक छोटी सी लिस्ट 25 तारीख से पहले भी आ जाए, लेकिन थोड़ी कम संभावना है, लेकिन 25 के बाद तो लिस्टों का आने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम सर्वे लगभग करवा लिए हैं। और नाम जो है वो ऐसा नहीं है सिंगल नाम ही गए हो, कई जगह से 2 नाम, 3 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 3 नाम तक नाम है। उनमें से डिसाइड भारतीय जनता पार्टी को करना है कि कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा मुफीद है। तो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, चारों दिशाओं में चारों यात्राएं। तो अब इनके समापन की शुरुआत होगी, लेकिन भव्य समापन 25 तारीख को होगा, विधिवत रूप से समापन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी। जी ऐश्वर्य, एक बैठक हुई थी दिल्ली में और बैठक में शीर्ष नेतृत्व द्वारा फिर ये खबरें आ रही थी कि फिर शीर्ष नेतृत्व ये फैसला ले सकता है कि परिवर्तन यात्राओं के दौरान ही लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि सी और डी जो कैटेगरी बनाई गई है बीजेपी की ओर से, जो कमजोर सीटें दिखाई दे रही हैं वहां के लिए सूची जारी हो सकती है। लेकिन फिर अब बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद सूची आ सकती है, इसकी क्या वजह दिखाई दे रही है ऐश्वर्य? देखिए, पार्टी में जब आला कमान कोई फैसला करता है तो उस दौरान एक चीज होती है कि प्रदेश नेतृत्व से भी बातचीत होती है, तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी स्वाभाविक तौर पर बातचीत होगी। क्योंकि परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन यात्रा से पूर्व में अच्छी खासी भीड़ आए, और भीड़ आने के लिए तमाम जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जो
जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, वो प्रत्याशी बनाए जाएंगे, तो वो मायूस ना हो और 25 तारीख तक इसे किसी तरीके से रोक कर रखा जाए। हालांकि ए बी सी डी ग्रेडिंग दोनों ही पार्टियों में होती है, किसी पार्टी में कोई सीट ए ग्रेड की है तो सामने वाली पार्टी में वही सीट डी ग्रेड की होगी और एक किसी पार्टी में वो ए ग्रेड है तो